नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं BNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। साल का आखिरी महीना चल रहा है और नया साल आने वाला है। दिसंबर 2021 के खत्म होते ही नई तारीख के साथ घरों के कैलेंडर बदल जाएंगे। एक नया महीना नया साल लेकर आ जाएगा। केवल किसी एक देश में नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों में जनवरी की पहली तारीख से नए साल की शुरुआत होती है। भले ही सभी देशों का कल्चर अलग है, प्रथाएं अलग अलग हों, लेकिन सभी देश मिलकर एक ही दिन न्यू ईयर मनाते हैं। साल का स्वागत करते हुए एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि नया साल 1 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? नया साल मनाने की परंपरा कब से शुरू हुई और क्या भारत में भी अन्य देशों की तरह 1 जनवरी को ही नया साल होता है? चलिए जानते हैं नए साल का इतिहास और 1 जनवरी को नया साल मनाने की वजह। जनवरी के पहले महीने से नए साल की शुरुआत होती है। हालांकि सदियों पहले नया साल 1 जनवरी को नहीं होता था। अलग अलग देशों में अलग अलग दिन पर नया साल मनाया जाता था। कभी 25 मार्च को नया साल का जश्न मनाते थे तो कभी 25 दिसंबर को नया साल होता था। लेकिन बाद में बदलाव हुआ और 1 जनवरी को नया साल मनाया जाने लगा। इसकी शुरुआत रोम से हुई, जहां राजा नूमा पोम्पिलस ने रोमन कैलेंडर से बदलाव किया। इस कैलेंडर के आने के बाद से जनवरी के पहले दिन नया साल मनाया जाने लगा। साल के जनवरी महीने को पहले जानूस कहा जाता था। रोम के देवता का नाम जानूस था, जिनके नाम पर महीने का नाम पड़ा। बाद में जानूस को जनवरी कहा जाने लगा। सदियों पहले आजाद कैलेंडर में सिर्फ 10 महीने ही होते थे। बाद में साल में 12 महीने होने लगे, जिसमें जानूस के अलावा मार्स नाम का एक महीना था। मार्स युद्ध के देवता का नाम है। बाद में मार्स को मार्च कहा जाने लगा। जब साल में 10 महीने हुआ करते थे तो पूरे साल में 310 दिन ही होते थे। उन दिनों एक सप्ताह में 8 दिन मनाए जाते थे। हालांकि रोम के शासक जूलियस सीजर ने रोमन कैलेंडर में बदलाव किए, जिसमें 365 दिन निर्धारित किए गए। खगोलविदों से जाना कि पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य की परिक्रमा करती है, इसीलिए सीजर ने साल के दिनों को बढ़ा दिया। वहीं साल की शुरुआत 1 जनवरी से की। वैसे तो दुनिया भर में 31 दिसंबर की आधी रात के बाद से कैलेंडर बदल जाता है, और लेकिन भारत में लोग अपने रीति रिवाजों के मुताबिक अलग अलग दिन पर नया साल मनाते हैं। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BNN न्यूज़।